इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी की टाइप और उनको याद करने की ट्रिक्स उस वीडियो में हमने देखी, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम एसआई यूनिट भी कहते हैं, ये कब बनाए गए, क्यों बनाए गए, तो इनकी जरूरत हमें क्यों महसूस हुई, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की अहमियत को भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको पहले डिफाइन करते हैं कि जो यूनिट्स हैं असल में यूनिट होते क्या है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट उस वक्त बनाए गए कि फॉर एग्जांपल, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी शॉपकीपर के पास कोई चीज परचेज करने के लिए जाता हूँ, मतलब खरीदने के लिए जाता हूँ, तो उसको मैं जाकर कहता हूँ तो मुझे मिल्क चाहिए या शुगर चाहिए, तो अब उतनी देर तक वो शॉपकीपर जो है वो मिल्क या शुगर मुहैया नहीं कर सकता, जितनी देर तक मैं उसको उसके साथ कुछ स्टैंडर्ड नहीं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 kg शुगर देना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ 5 ही जाकर बता दूँ, kg साथ ना बताऊँ, तो शॉपकीपर ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि शुगर जो है कितनी मेजर करनी है, यानी कि उस पहले उसका स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मिल्क है तो मिल्क हम परचेज करने जाते हैं तो मिल्क की भी हमें अमाउंट बतानी पड़ेगी, मतलब कि उसके यूनिट बताने पड़ेंगे साथ, कि जो मिल्क है हमें 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर या 3 लीटर जितने भी चाहिए, तो हमें उसके जो यूनिट साथ बताने पड़ेंगे। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, उस स्टैंडर्ड को क्वांटिटी को भी असल में एसआई यूनिट कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास, अगर थोड़ा सा पीछे हम जाए तो पुराने जमाने में हमारे पास एक तराजू होता था। अब इस बैलेंस की मदद से फर्ज करें कि मैं एक 1 kg जो है मास मैं मेजर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इधर एक पलड़े में 1 kg का वेट इधर रखूंगा, यानी कि स्टैंडर्ड फिक्स करूंगा, और दूसरे पलड़े में कोई भी अननोन क्वांटिटी, यानी कि जो मैं मेजर करना चाहता हूँ, वो इस दूसरे इसके पेन में रखूंगा। तो इधर कोई अननोन क्वांटिटी रखूंगा, तो इधर मैं पहले स्टैंडर्ड फिक्स करूंगा, तो दोनों पलड़ों को बाद में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से हमें जो है इसकी क्वांटिटी का पता चलेगा, मतलब कि इसको पहले ये स्टैंडर्ड जो 1 kg रखा है, ये असल में क्या है, स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ही हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। तो चलिए इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखते हैं। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस इन 1960 अडॉप्टेड ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस के अंदर, क्योंकि इससे पहले मुख्तलिफ कंट्री जो है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कुछ तजारत करती थी, मुख्तलिफ चीजें खरीदती थी या उनको दूसरी कंट्री को बेचती थी, तो इस तरह उनको बेचने में या खरीदने में मुश्किलें पेश आती थी। फॉर एग्जाम्पल, के अंदर एक कंट्री दूसरी कंट्री से पेट्रोल खरीदने जाती है, अब हम भी जा रहे हैं तो हमारा जो यूनिट है लीटर है, अब हम उसको जाकर कहते हैं किसी दूसरी कंट्री में कि हमें इतने लीटर पेट्रोल चाहिए, सोचेंगे कि लीटर होता क्या है, तो उनका यूनिट कुछ और है, क्योंकि वो किसी और यूनिट में पेट्रोल को मेजर कर रहे हैं, तो हम लीटर में मेजर कर रहे हैं। तो इस तरह तजारत के अंदर एक कम्युनिकेशन गैप आने लगा, मुख्तलिफ कंट्री के दरमियान एक जो है कम्युनिकेशन गैप आने लगा। तो इस कम्युनिकेशन गैप को फिल अप करने के लिए जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जनरल कॉन्फ्रेंस, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस की पेरिस के अंदर, तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी है इनके एसआई यूनिट फिक्स किए गए, तो उन यूनिट की बुनियाद पे पूरी दुनिया के ऊपर तमाम क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, यानी कि जो यूनिट फिक्स किया गया अब उन यही वाले जो यूनिट है पूरी ऑल दुनिया के ऊपर ये मेजर किए जा रहे हैं, इन्हीं यूनिट के अंदर तमाम चीजें जो है वो मेजर की जा रही है। तो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी, 7 ही ड्राइव क्वांटिटी, तो इसी तरह की ऐसे यूनिट भी हमारे पास है, बेस यूनिट और दूसरा ड्राइव यूनिट। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल हम
एग्जांपल कुछ दे दे। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है लेंथ। तो लेंथ का जो यूनिट है वो हमारे पास होता है मीटर। इसी तरह मैस है, तो मैस का यूनिट हमारे पास है केजी। ये आगे हम मजीद जाकर देखें जब इनके टेबल पढ़ेंगे, तो टेबल के अंदर हम देखेंगे कि ये जो यूनिट है ये किस तरह हम किस तरह बनाए गए हैं और किन किन क्वांटिटी के कौन कौन से यूनिट है। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है जो इनके हम देखते हैं बेस यूनिट। तो ऐसे तमाम यूनिट जो कि बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, मेजर करने के लिए यूज किए गए हैं, उसको हम बेस यूनिट कहते हैं। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं यूनिट। तो ये हमारे पास है बेस यूनिट की डेफिनेशन। द यूनिट दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड है बेस यूनिट। इसी तरह हम इनकी एग्जांपल देंगे। जो इससे पहले भी पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा कि बेस क्वांटिटी को जान करने की ट्रिक्स क्या है, यानी कि एक वर्ड की मदद से हम सारी की सारी सेवन क्वांटिटी जो है वो याद कर सकते हैं। इसी तरह अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो जितने भी हमारे पास बेस क्वांटिटी के बेस यूनिट और इस तरह ड्राइव क्वांटिटी के ड्राइव यूनिट है, उनको भी हमने एक वर्ड की मदद से, यानी कि एक ट्रिक्स की मदद से हमने सारे के सारे यूनिट याद करने, यानी कि सारे का सारा जो टेबल है आपको बड़ी आसानी से बड़ी इजीली आप याद कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि इसकी कुछ एग्जाम्पल। अब एम से मुराद जो है, क्योंकि ये बेस क्वांटिटी के यूनिट है, तो एम से मुराद है मीटर, क्योंकि हमारे पास जो बेस क्वांटिटी है अब मैं वो इसके साथ लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इधर लैप्टीटर। तो आप देखें एल क्या थे हमारे पास है लेंथ। तो लेंथ का लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, यानी कि इसका ऐसे यूनिट क्या है मीटर। इसी तरह हमारे पास एम जो है एम मैस था, तो मैस को मेजर किसमें किया जाता है किलोग्राम में, तो किलोग्राम के से शुरू होता है इसलिए इधर के लिखा है। इसी तरह हमारे पास टाइम था, तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सेकंड, यानी कि एस सेकंड, सेकंड जो एस से शुरू होता है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट था एम्पियर, ए से एम्पियर। इसी तरह हमारे पास आ रहा है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ऐसा यूनिट क्या है कैंडेला, ठीक है। तो इस तरह इसको सी से जाहिर किया जाता है। और के जो हमारे पास है ये टी टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो है केल्विन, तो केल्विन को के से जाहिर किया जाता है। इसी तरह हमारे पास है ए है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस का यूनिट क्या है मोल, तो मोल को एम से जाहिर किया जाता है। इनके इस तरह आप ये दो वर्ड याद करके, ये क्वांटिटी है, ये कैपिटल वर्ड इसलिए लिखेंगे कि ये आपको पता चले कि ये क्वांटिटी के जो पहले लेटर है फर्स्ट लेटर ये लिखे हैं, और इनके जो ऐसा यूनिट है, ठीक है। आप इसी तरह वन बाय वन हर एक वर्ड को हर एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ कंपेयर करके इन क्वांटिटी और हर क्वांटिटी के यूनिट बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस तरह चलिए हम देखते हैं दूसरे ड्राइव यूनिट। यूनिट दैट यूज टू मेजर ड्राइव क्वालिटी आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन। द यूनिट दैट आर यूज टू मेजर ड्राइव क्वालिटी कॉल्ड ड्राइव यूनिट। तो इसी तरह हम देखते हैं इनकी एग्जांपल, यानी कि ड्राइव यूनिट की एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो ड्राइव यूनिट की जो एग्जांपल है हमारे पास अच्छा इनकी एग्जांपल थी हमारे पास यूनिट की, वो हम देख रहे हैं हमारे पास है ड्राइव यूनिट के यूनिट ड्राइव यूनिट की एग्जांपल है, मतलब कि हमने जो इनकी ड्राइव क्वांटिटी देखी थी सेव फैपडस। तो ये इनके इसी तरह जिस तरह हमने ये एक वर्ड की मदद से सारी की सारी यानी कि सेवन ड्राइव क्वांटिटी याद की थी, इसी तरह हम
ये एक वर्ड याद करके इन ड्राइव क्वालिटी के ये ड्राइव यूनिट याद कर सकते हैं। मतलब के बेस को क्वांटिटी के टेबल के लिए हमें ये दो वर्ड याद करने पड़ेंगे, लैम्डा ईटा और मिक्सा सिकम। इसी तरह ये हमारे पास जो है सेम फैक्टर्स ड्राइव क्वांटिटी है और जिनके यूनिट है एमएमसी डिकस। तो चलिए ये देखते हैं, अब एस से मराद क्या थी, स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड एम से शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने पहला लेटर जो है वो लिख दिया मीटर पर सेकंड। इसी तरह ए हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड पर सेकंड। मतलब कि अब देखा जाए तो स्टूडेंट जो इससे पहले हमारा लेक्चर था, पहला लेक्चर, उसमें हमने देखा कि ड्राइव यूनिट, ड्राइव और बेस क्वांटिटी। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी को मिला के हम कौन कौन सी बेस क्वांटिटी मिला के कौन सी ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास बनती है। तो चलिए ये देखते हैं, अब वो भी पॉइंट क्लियर करते जाते हैं। अब ये हमारे पास थी स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है, स्पीड का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मतलब ये है कि मीटर पर सेकंड, मीटर किसका यूनिट है, इधर देखें जरा। तो मीटर हमारे पास यूनिट था लेंथ का, मतलब एक तो हमने स्पीड के अंदर लेंथ यानी कि ये वाली बेस क्वांटिटी इस्तेमाल की है। दूसरे नंबर पे ये जो एस सेकंड लिखा है, तो इसका सेकंड किसका यूनिट है, टाइम टी का। मतलब कि दो बेस क्वांटिटी हमने जब कंपेयर की, दो बेस क्वांटिटी को इस्तेमाल किया, तो हमारे पास एक बेस क्वांटिटी बनी स्पीड, क्योंकि इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसी तरह आप हर ड्राइव क्वांटिटी के ऐसे यूनिट से ये पता लगा सकते हैं कि हमने कौन कौन सी क्वांटिटी की है, कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटी इस्तेमाल की है और उनकी जो है वो कौन कौन सी हमारे पास जो है वो ड्राइव क्वांटिटी बनी है। इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को चलिए देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन आप इसी तरह देखें, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो मीटर अगेन किसका यूनिट है, लेंथ का, यानी कि ये लेंथ हमने इस्तेमाल किया है। नंबर टू पे पर सेकंड, पर सेकंड यानी कि एम एस इज इक्वल टू माइनस टू लिखा है, तो इसका मतलब है कि इसमें सेकंड यानी कि टाइम को दो दफा इस्तेमाल किया है, टाइम को दो दफा इस्तेमाल किया गया है इसमें। ठीक है, इसी तरह हमारे पास था दूसरा ये वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर सी से शुरू होता है, इसलिए मैंने इधर सी लिखा है। इसी तरह हमारे पास था फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो इधर मैंने स्मॉल एम, वैसे तो न्यूटन को कैपिटल एम से ज्यादा किया जाता है, लेकिन इधर स्मॉल एम इसलिए लिखा है, ये सारे के सारे मैंने स्मॉल लेटर लिखे हैं ताकि ये पता चले कि ये यूनिट जो है इनका फर्स्ट लेटर है सारे का। तो ये कैपिटल लेटर इसलिए लिखे हैं कि ये मतलब हमें जब पता चले कि ये क्वांटिटी के नाम है। तो इसलिए प्रेशर था, प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल। इसी तरह हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह हमारे पास जो चार्ज, चार्ज का यूनिट को लगा, तो ये दोनों सी से ही चार्ज किए जाते हैं। तो इस तरह हम मुख्तलिफ क्वांटिटी यानी कि मुख्तलिफ बेस क्वांटिटी को बना के हम ड्राइव क्वांटिटी बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी, इस तरह बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट, ये वाला कंसेप्ट बड़े अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसके जो टेबल है इन क्वांटिटी के नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता था। बाद स्टूडेंट ऐसा होता था कि जो है वो टेबल तो याद कर लेते हैं, क्वांटिटी के नाम भी याद कर लेते हैं, यूनिट्स भी याद कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि ये जो क्वांटिटी है आया कि ये बेस क्वांटिटी है या ड्राइव क्वांटिटी है। इसी तरह यूनिट भी जो है वो मिक्सअप कर जाते हैं। तो ये वर्ड याद करने का आपको फायदा ये होगा, लैम्डा ईटा मिक्सा सिकम, आपको पता चले कि ये किसके लिए, बेस क्वांटिटी के लिए। इसी तरह आप ये दो लफ्ज इस्तेमाल याद कर लें। ठीक है, तो ये दो याद करके आप बड़ी आसानी से जो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे पास कौन से हैं, ड्राइव क्वांटिटी। तो इस तरह आप एक तो जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस बात से, वो कंफ्यूजन जो है स्टूडेंट की खत्म हो जाएगी इस ट्रिक से, तो दूसरा इसको याद करना ही आपको वेरी इजी होगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके जो टेबल है, ठीक है, इनके जो टेबल है वो टेबल हम देखते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, वो टेबल आपको मैं बता दूंगा। तो वो भी यही वाली ट्रिक्स हमने इस्तेमाल करके
यानी जो ट्रिक्स है ये ट्रिक्स इस्तेमाल करके हमने बेस और ड्राइव क्वांटिटी के टेबल तैयार करने हैं। जो मतलब कि अगर हम ये वाले याद कर लेते हैं जो फोर वर्ड्स हैं, दो ये वाले और टू ये वाले, तो दोनों हम याद करके दोनों जो टेबल है वो बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं।